नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नेहा। बुधवार को प्रखंड किसान सलाहकार समिति आत्मा की बैठक हुई। अध्यक्षता आत्मा अध्यक्ष शिवानंद कुमार भारद्वाज ने की। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बेगूसराय से अमित कुमार की रिपोर्ट। हम लोग आज प्रखंड आत्मा कमेटी का बैठक रखे थे। किसान के हित में जो बात विभाग द्वारा नहीं सुनी जा रही है, इसके आलोक में इस बैठक में किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, एटीएम, बीटीएम और प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय को आज इस बैठक में रहना था, लेकिन प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय जिला के बैठक में बैठक होने के कारण इस बैठक में नहीं आए। बेगूसराय सदर प्रखंड के अधिकांश पंचायतों में अतिवृष्टि के कारण जो खेती करने योग्य जमीन में अभी तक पानी जमा है और उस पंचायत को उससे जल उससे से जो कठिनाई हो रही है, इसके लिए यह बैठक हुआ था। मान लीजिए जैसे अचंबा पंचायत के भगोना चौर में अभी कितना एकड़ है अमूमन ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन डेढ़ से 200 एकड़ जमीन में अभी पानी जमा है। खमार पंचायत है, चिलमिल है, अजौर है, परना है, महनपुर है, सांख है, बंदुआर है, इस सब क्षेत्र में जल जमाव है और जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध है जो अपने संज्ञान में लेकर के इस खेती योग्य भूमि को जल जमाव से मुक्ति के लिए अविलंब पहल करे। जिला प्रशासन से हमारी यह मांग है। दूसरा है कृषि इनपुट अनुदान। कृषि इनपुट अनुदान नहीं मिला है किसानों को, इसके लिए भी यह बैठक आज रखा गया है। मान लीजिए क्यों कृषि इनपुट अनुदान किसानों को नहीं मिला। मान लीजिए यहाँ किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा यदि जांच प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी महोदय के यहाँ यदि गया है तो क्यों नहीं किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। चूंकि अतिवृष्टि हुआ है वह सरकार के भी नज़र में है, जिला कृषि पदाधिकारी के महोदय के भी नज़र में है और डीएम साहब के भी नज़र में है, इसका भी लाभ किसानों को मिलना चाहिए। अब बीज पर लेते हैं, बीज की उपलब्धता तो हो जाती है कमोबेश, लेकिन हमारा प्रखंड आत्मा कमेटी का मांग है एक दुकानदार यानी कि एक डीलर एक बार ही किसानों को अनुदानित दर पर बीज दे, रोटे नहीं तो
उनका मनोबल इतना बढ़ जाता है जो बार बार उन्हीं को यदि टेंडर मिल जाता है अनुदानित बीज को वितरण करने के लिए, तो वैसे दुकानदार भी मनमानी करते हैं। इस पर भी जिला कृषि पदाधिकारी महोदय को, प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय को भी विचार करना चाहिए। बीज समय पर मिल जाता है, बीज तो समय पर नहीं मिलता है। आप आत्मा अध्यक्ष हैं, कम से कम बीज तो समय पाना चाहिए। देखिए हमारा एजेंडा में देख लीजिए, ये सब है, हमारा एजेंडा साफ साफ है। ऐसा नहीं है हम आत्मा अध्यक्ष हैं तो हम किसान के हित में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरी मंशा नहीं है। खाद का जो काला बाजारी हो रहा है इस पे आप क्या बोलिएगा? देखिए खाद का काला बाजारी है, इस पर हम एक ही शब्द बोलेंगे, जो विभाग है ना दूसरी है। तो आप तो आवाज ऊपर उठा सकते हैं, हम तो आज भी आवाज उठाए हैं। अगर ये आज भी हम आवाज उठाए हैं खाद पर, जो जितने भी किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक हैं, जब बिहार सरकार आदेश जारी कर चुकी है जो खाद दुकानदारों की निगरानी किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक करेंगे, तो अब जिला कृषि पदाधिकारी महोदय ही तय करेंगे। जो कब से सरकार की बात को वो गंभीरता से लेकर के दुकानदारों को जांच करते हैं, कब से जो शुरू करेंगे खाद पर, खाद की कालाबाजारी हो रही है। किसान हमारे पास भी आते हैं कंप्लेन करने के लिए, लेकिन हम मजबूर हैं, हम अध्यक्ष सरकार के तो अध्यक्ष हैं नहीं, हम किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। आप किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, तो वह तो आप ही के पास आएंगे ना? हमारे पास आए हैं तो आज हमने बैठक रखा है, इस पे आप बात किए हैं? हम से हम बात किए हैं, अब हम उनके तरफ से क्या आया है अभी तक? देखिए अभी सारे सदस्य बोले हैं जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, बीओ साहब आ रहे हैं, आएंगे, हम बीओ साहब को खुद कहेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम तो है शिवानंद कुमार भारद्वाज। आज किसान सलाहकार समिति बेगूसराय सदर प्रखंड आत्मा की बैठक आज थी, जिसमें कुछ प्रमुख समस्याओं पर माननीय आत्मा अध्यक्ष शिवानंद जी ने चर्चा किया, जिसमें से प्रमुख समस्या है जल जमाव की। जल जमाव से काफ़ी जमीन अभी प्रभावित है, जिससे हमारे किसान उस पर खेती नहीं हो पाएगी, इस बार रबी का फसल उस पर नहीं बोया जा सकेगा। उसके लिए अतिवृष्टि का जो फसल सहायता बीमा के तहत राशि मिलती है, उसके लिए बेगूसराय सदर प्रखंड से खासकर पचम्बा और चिलमिल इस गांव का कोई नाम नहीं है। नियमतः 33% कम से कम अगर रिपोर्ट जाता है तो उस पंचायत को उसकी राशि अनुदान के रूप में मिलती है, लेकिन अभी वर्तमान जो स्थिति है, बागवारा पचम्बा पंचायत के अंतर्गत आता है, वहाँ लगभग 150 से 200 एकड़ पानी, जमीन में पानी का जल जमाव है, 1.5 से 2 फीट पानी अभी भी उसमें है। सीओ साहब ने निरीक्षण भी किया है, लेकिन इस पंचायत को इससे वंचित रखा गया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस पर भी चर्चा अभी काफ़ी ज़ोर से हुई है। इसके बाद जो भी इनपुट आता है उस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बीओ साहब, आज प्रमुख बैठक थी कृषि सलाहकार समिति की, वो अनुपस्थित हैं। यहाँ के एटीएम बीटीएम सभी अनुपस्थित हैं, एटीएम है। कुल मिलाकर इस और आज तक आत्मा की पूरी टीम, पूरी कमेटी नहीं बन पाई है, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन सभी उसके बाद जो कृषि सलाहकार और बीओ साहब और ये आत्मा अध्यक्ष जी का संयुक्त खाता खुला, पिछले
तीन चार महीने हो चुका है, उसमें न तो कुछ आया है अभी तक राशि, न तो उसके उसका कुछ उपयोग हुआ। अब क्या है नहीं है यहाँ के पदाधिकारी लोग बता पाएंगे, हम लोग सदस्य के नाते यहाँ हैं और कुल मिलाकर आत्मा के अध्यक्ष और पूरी कमिटी को इग्नोर किया जाता है, किसी को किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। एक अभी ज्वलंत समस्या आई है, किसान सम्मान में एक हमारे मित्र हैं और बीज की उपलब्धता जहाँ तक है, जब सीजन हमारा समाप्त हो जाता है रबी का, अभी पिछतिया पाछत कहते हैं देर से बुआई का वो समय आया, तब तो अब प्रखंड द्वारा बीज का वितरण किया जा रहा है, खाद की कालाबाजारी हो रही है, सभी लोग जान रहे हैं, यहाँ तक कि डीओ साहब बीओ साहब, अभी हम लोगों ने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा जो लिखित रूप से अगर आवेदन दिया जाए तो उस वहाँ छापामारी की जाएगी, किसान को खेती करने से फुर्सत नहीं है। तो किसान थोड़े लिख के देगा, खुद छापा मारेंगे, हाँ, किसान जाएगा छापा मारने के लिए, यही सब समस्या है। तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी जी को हम लोग यही बताना चाहते हैं और पूरे जिले वासियों से आपके माध्यम से, एक आपका जो चैनल है ये सशक्त माध्यम है हम लोगों खासकर किसानों के समस्या को ऊपर तक पहुंचाने का, एक ही निवेदन करेंगे कि इस कमेटी को मजबूत बनाकर और आत्मा का जो मुख्य कार्य है प्रशिक्षण, किसान गोष्ठी और किसानों को जागरूक करना, उसके लिए सरकार सहयोग करे, बेगूसराय सदर प्रखंड और बेगूसराय जिला कृषि पदाधिकारी सहयोग करें, बस और कुछ नहीं कहना है। क्या नाम है? धन्यवाद। मेरा नाम अमीय रंजन पोद्दार, मैं इस आत्मा कमेटी का सदस्य हूँ।